जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, सभी को राम राम। जो मेरे छोटे भाई एसएससी जीडी की जो भी मेरिट आने वाली है, उसके बाद में ज्वाइनिंग करने वाले हैं, या जो भी पैरामिलिट्री फोर्स की जो तैयारी कर रहे हैं या ज्वाइन करने वाले हैं, तो ये वीडियो उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण वीडियो होने वाला है। क्योंकि जैसे आप थंबनेल में देखें कि इस वीडियो में मैं आपके सभी क्वेश्चन ज्वाइनिंग से लेकर ट्रेनिंग तक के सभी क्वेश्चनों के आंसर दूंगा कि कब क्या होता है, कैसे होता है। फिर आपका कोई डाउट नहीं रहेगा, इस वीडियो को आप एंड तक देख लेना। जो थंबनेल में कुछ क्वेश्चन लिख रखे हैं उनका तो दूंगा ही दूंगा, उनके अलावा भी कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो बताऊंगा और उनके आंसर भी दूंगा, क्योंकि मैं थंबनेल में ज़्यादा नहीं लिख पा रहा तो उनका भी। तो आप इस वीडियो में एंड तक बने रहना, क्योंकि ये वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। क्योंकि टोटल डिटेल्स आप अलग अलग वीडियो छोटे छोटे वीडियो में देख रहे हो, ये मैं एक ही वीडियो में आपको पूरी जानकारी दे रहा हूँ। तो दोस्तों, ये 5 से 7 मिनट का वीडियो होने वाला है। आप वीडियो में इसके बाद में मुझे नहीं लगता कि आपके मन में कोई भी डाउट रहेगा। जो पहला क्वेश्चन है कि ज्वाइनिंग कहाँ पर होगी आपकी, तो दोस्तों मैं बता दूँ सबसे पहले कि जैसे ही रिज़ल्ट आएगा, उसके फाइनल मेट आएगी, उसके 20-25 या महीने भर के अंदर अंदर आपकी ज्वाइनिंग होगी। और ज्वाइनिंग होगी सबसे पहले ग्रुप सेंटरों में। हर एक पैरामिलिट्री फोर्स के अलग अलग ग्रुप सेंटर हैं, तो उनके सबसे पहले आप ग्रुप सेंटरों में आपकी ज्वाइनिंग होगी। वहाँ पर आपका सबसे पहले डॉक्यूमेंट्स वर्क होगा, तो यहाँ पर आपके ग्रुप सेंटरों में ज्वाइनिंग हो जाएगी, वहाँ आपकी ट्रेनिंग नहीं होगी। कईयों को ये डाउट रहता है कि जहाँ ज्वाइनिंग हुई है वहीं ट्रेनिंग, ट्रेनिंग वहाँ नहीं होती दोस्तों, वहाँ केवल आपकी ज्वाइनिंग कराई जाएगी। अब ज्वाइनिंग के समय क्या क्या होता है, तो ये भी बहुत सारे बंदों के मतलब डाउट है बहुत ज़्यादा कि ज्वाइनिंग के समय मेडिकल कैसा होता है, वो कैसा होता है, क्या क्या होता है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, पहली बात तो कि मेडिकल नहीं होता ज्वाइनिंग के समय। ये मैंने एक वीडियो पहले भी बनाया और बता रहा हूँ कि ज्वाइनिंग के समय मेडिकल नहीं होता है। जो मेडिकल फिट बंदा है वो मेडिकल फिट है, 100% फिट है, उसको वापस अब कोई चेक करने वाला नहीं है, अगर उसकी कोई मेजर बीमारी नहीं हो तो उसको कोई चेक करने वाला है नहीं दोस्तों। तो ज्वाइनिंग के समय क्या होगा, ज्वाइनिंग के समय एक तो आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होंगे, डॉक्यूमेंट्स के अलावा आपकी जिस डेट की ज्वाइनिंग है उस डेट को आप वहाँ जाओगे, और जैसे आपके जो डॉक्यूमेंट्स वर्क होता है वो पूरा फिलअप किया जाएगा। वहाँ आपसे फार्म भरवाए जाएंगे, आपकी जितने जो ज्वाइनिंग लेटर है उसमें डिटेल दी जाएगी, वो चीज़ें आप वहाँ करके जाना, तो बस वो होगा। उसके अलावा और ज्वाइनिंग में कुछ नहीं होगा, और आप गए, आपको डॉक्यूमेंट्स का होगा, आप ज्वाइनिंग, फिर उसके बाद में क्या होगा। तो ज्वाइनिंग के समय क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए, ये भी बहुत तो का क्वेश्चन है। डॉक्यूमेंट्स देखो, बेसिक जो डॉक्यूमेंट्स बता रहा हूँ वो मैं आपको बता दे रहा हूँ। एक तो मूल निवास हो गया आपका, दूसरा 10th क्लास मार्कशीट, तीसरा ज्वाइनिंग लेटर, जो ज़रूरी चीज़ें हैं वो बता रहा हूँ। एक बैंक अकाउंट, SBI बैंक अकाउंट मांगेंगे, जहाँ तक मुझे चांस है SBI बैंक अकाउंट मांगेंगे, और आपको ज्वाइनिंग लेटर में लिखा हुआ आएगा साफ साफ। अन्य पिछड़ी जाति प्रमाण पत्र हो गया, जिसकी वो उसमें आता है कैटेगरी में, चरित्र प्रमाण पत्र हो गया, और एक वो पुलिस वेरिफिकेशन का जो तहसीलदार साइन करके देता है वो हो गया दोस्तों। वो जो चरित्र प्रमाण पत्र होता है जो पुलिस से मिलता है, उसकी भी डिटेल आपको ज्वाइनिंग लेटर में लिखी हुई रहेगी, वो आपको कंप्लीट कराने हैं, और उस कंप्लीट कराने में आपको 2 से 4 दिन लगेंगे। और जो ये चीज़ें हैं, अगर इनमें से आपके पास में कुछ नहीं है तो वो आप तैयार करा लो। तो ये नॉर्मल डॉक्यूमेंट्स। अब यहाँ पर गलती क्या करते हैं डॉक्यूमेंट्स में दोस्तों, गलती ये करते हैं कि SSC GD 10th क्लास पास है। अब जैसे मैंने किए ग्रेजुएशन या मैंने कर लिए BEd, अब मैं क्या कर रहा हूँ वहाँ ये दिखाने के चक्कर में कि भाई मैं कितना एजुकेशन हूँ, तो मैं ग्रेजुएशन की भी मार्कशीट वहाँ ओरिजिनल लगा रहा हूँ। तो ऐसी गलती नहीं करना दोस्तों। आप 10th क्लास पास से लगे हो, 10th क्लास की मार्कशीट लगा दो, ज़्यादा से ज़्यादा तो 12th क्लास की लगा दो। उसके अलावा दोस्तों आपको नहीं लगाना है। क्यों नहीं लगाना है, क्यों? अगर मान लो आपने ग्रेजुएशन की लगा ली, या आप BEd किए हुए, आपने BEd की लगा ली, होगा क्या कि वहाँ पर एक बार आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट जमा हो गए, फिर आप उनको 2 साल तक, कम से कम 2 साल तक वापस नहीं ले सकते। अब बाई चांस इसी टाइम दौरान आपका किसी ग्रेजुएशन पास वाली वैकेंसी में नंबर आ जाए, तो फिर आप ग्रेजुएशन की मार्कशीट लाने के लिए आपको बहुत ज़्यादा मशक्क़त होगी, निकल जाएगी लेकिन बहुत ज़्यादा मतलब मशक्क़त होगी, और आपका बहुत समय ख़राब होगा। तो आप क्या करना, 10th पास है, ज़्यादा से ज़्यादा लगाना है तो 12th तक बताएं, और ज़्यादा आपको दिखाने की ज़रूरत नहीं है वहाँ पर। फिर एक बहुत सारे लोगों का ये क्वेश्चन है कि ट्रेनिंग में क्या क्या टेस्ट होते हैं, ट्रेनिंग में होता क्या है। तो दोस्तों अब बता दूं, जैसे आप ज्वाइनिंग सेंटर जाओगे, मतलब ग्रुप सेंटर जिसको बोलते हैं, आप ग्रुप सेंटर में आपकी ज्वाइनिंग हो जाएगी, उसके महीना 20 या 30 दिन के अंदर अंदर आपके ट्रेनिंग सेंटर अलॉट होंगे। ट्रेनिंग सेंटर कैसे अलॉट होंगे, जैसे आप ग्रुप सेंटर में जाओगे, उस ग्रुप सेंटर को कोई फिक्स एक ट्रेनिंग सेंटर दिया जाएगा, 1 या 2, तो वहाँ ट्रेनिंग सेंटरों में आप सभी ट्रेनिंग करने के लिए जाओगे। वहाँ क्या होता है ट्रेनिंग में, फर्स्ट डे से बता देता हूँ। हाँ, तो ज्वाइनिंग के समय एक छोटी सी बात रह गई है कि ज्वाइनिंग के समय आपको सामान है वो ज्वाइनिंग में दिया जाएगा। ज्वाइनिंग के समय जिस ग्रुप सेंटर में आप ज्वाइनिंग करोगे वहीं पे आपको
सामान दिया जाएगा, जैसे वर्दी, जूते, बेल्ट, टोपी, टाई, ये जो चीज़ें दी जाएगी वो ज्वाइनिंग में, बक्सा, बैग, जो भी दिया जाएगा वो सब ग्रुप सेंटर में दिया जाएगा ज्वाइनिंग के टाइमिंग। जो भी सामान है, मच्छरदानी हो गई, जूते हो गए, बेल्ट है, टाई, टोपी, ये सब वहाँ दिए जाएंगे। अब ट्रेनिंग का बता दूँ आपको शेड्यूल, ट्रेनिंग का क्या शेड्यूल रहता है। जैसे आप ज्वाइनिंग की पहले दिन, आपको पहले दिन से आपको घोड़े की तरह नहीं दौड़ाते, नॉर्मल रनिंग कराएंगे, आपसे कैंप बताएंगे कि अपना कैंप कैसा है, ये कैसा है, दो चार दिन आपको कैंप दिखाएंगे चारों तरफ से, पूरा कैंप हल्की हल्की रनिंग करा के पूरा कैंप दिखा देंगे, ऐसा ऐसा है, सब चीज़ें आपको वहाँ बताई जाएगी, आराम से दिखाया जाएगा। फिर आपको सबसे पहले वर्दी पहनना सिखाएंगे, वर्दी कैसे पहनते हैं ये चीज़ें सिखाएंगे। तो धीरे 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 आपकी ट्रेनिंग रूटीन में लाएंगे, फिर धीरे धीरे आपकी टाइमिंग सोने की कम करेंगे, पहले ही दिन आपको इतना नहीं जगाएंगे, फिर धीरे धीरे आपको सोने का टाइमिंग कम करेंगे, आप धीरे धीरे उसमें आ जाओगे। फिर होता क्या है, मैं मेन पॉइंट बता रहा हूँ पूरा ट्रेनिंग का, कि रनिंग के बारे में पूछ रहे हैं दोस्त, तो आपका रनिंग टेस्ट जाते ही नहीं होने वाला है, रनिंग टेस्ट होगा आपका 12 वीक के बाद में, पहला रनिंग टेस्ट जो फिजिकल टेस्ट होता है वो होगा आपका 12 वीक के बाद में। तो 12 वीक में नॉर्मल रनिंग होती है 5 किलोमीटर के आसपास, 5 किलोमीटर और भी जो रनिंग होती है वो, तो मतलब वो सभी पास कर लेते हैं, ऐसी कोई बात नहीं, क्योंकि आप वहाँ रनिंग करने लग जाओगे तो आप पास कर लोगे, रनिंग होगी। और ड्रिल टेस्ट होता है, जो आपको वहाँ ड्रिल सिखाई जाती है उसका टेस्ट होता है। उसके बाद में फिर होता है 24वीं वीक में रिटर्न टेस्ट भी होता है और रनिंग टेस्ट भी होता है। रिटर्न टेस्ट वही जो आपको ट्रेनिंग में पढ़ाया जाता है वही होता है, और रनिंग जो फिजिकल का जो टेस्ट होता है BOC UOC ये चीज़ें होती है, इनका टेस्ट होता है दोस्तों। तो वो भी कोई इतना बड़ा हार्ड टेस्ट नहीं है। उसके बाद में आपको मिड टर्म ब्रेक मिल जाता है, छुट्टियाँ मिल जाती है, आप छुट्टी में घर जा सकते हो। फिर जब आप वापस आते हो फिर 36वीं वीक में, और फिर एक फाइनल लास्ट टेस्ट होता है, उसमें एक फाइनल लास्ट टेस्ट होता है, उसमें भी रिटर्न टेस्ट होता है। अब कई दोस्त मेरे बोल रहे हैं कि ट्रेनिंग में टेस्ट में अगर हम फेल हो गए फिर क्या होगा। देखो रिटर्न टेस्ट में वहाँ फेल होगी नहीं, क्योंकि आप पूरे दिन वही काम करोगे उसी का रिटर्न टेस्ट होगा, पूरे दिन आपके वही काम है तो वो नहीं फेल होगे, इसमें कोई शक नहीं है कोई फेल होगा, क्योंकि पूरे दिन आपको वही काम है ना कि भाई ढाई हथियार के बारे में जानना या क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे, वो सब जो चीज़ें आप सीखोगे उसी का टेस्ट होगा, तो आप फेल नहीं होगे, कोई भी नहीं होगा। और रहा रनिंग वनिंग का टेस्ट, रनिंग फिजिकल, इनका अगर टेस्ट में अगर कोई फेल हो जाता है तो उसको थोड़ा सा एक्स्ट्रा कराया जाता है खाली टाइम में, गेम टाइम में, ताकि उसकी रनिंग बढ़िया हो जाए, और इसके अलावा कुछ नहीं होता। कई मेरे दोस्त बोल रहे हैं हम ओवर वेट, हमारा वेट बढ़ता जा रहा है, हम वेट कैसे लूंगे, वो ट्रेनिंग में आपका सब शेड्यूल में आ जाएगा, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। अब ये जो क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ ये बहुत लोगों ने मेरे से पूछा है कि प्रमोशन एग्ज़ाम कब होगा, या हम डिपार्टमेंटली प्रमोशन कैसे होता है एग्ज़ाम देके। तो दोस्तों बता दूँ, हर एक डिपार्टमेंट में डिपार्टमेंटली एग्ज़ाम होता है पैरामिलिट्री में, तो इसमें प्रमोशन टेस्ट आपका ट्रेनिंग में नहीं होगा। कईयों को ये गलतफहमी है कि ट्रेनिंग में ही प्रमोशन टेस्ट, नहीं, ट्रेनिंग में नहीं होता। ट्रेनिंग के बाद में जब आपको बटालियन दी जाएगी, जब आप वहाँ बटालियन में जाओगे, वहाँ पर आपकी कम से कम 2 साल सर्विस होगी, तो फिर साइंस मैथ वाले लड़के RO रेडियो ऑपरेटर का टेस्ट देने के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। तो RO का पेपर दे सकते हैं साइंस मैथ वाले, आर्ट्स वाले नहीं, वो 2 साल में एलिजिबल हो जाते हैं। बाकी जो हवलदार या SI का जो पेपर देना चाहता है तो उसके लिए कम से कम उसको 3 साल क्लियर सर्विस होनी चाहिए, मतलब बिना दाग धब्बे के, कहने मतलब कोई पनिशमेंट अनिशमेंट सर्विस में नहीं होना चाहिए। एक जो साथ में यही क्वेश्चन पूछा था, क्या प्रमोशन से मतलब एग्ज़ाम देके DSP तक जा सकते हैं, बिल्कुल जा सकते हो। पहले आप सब इंस्पेक्टर रह दो, सब इंस्पेक्टर से फिर आप DSP डिपार्टमेंटली एग्ज़ाम फाइट कर सकते हो, तो ये आपके प्रमोशन का है। तो दोस्तों प्रमोशन शुरुआत में ही, प्रमोशन एग्ज़ाम नहीं होता। एक गर्ल्स है, उन्होंने मेरे को बहुत ज़्यादा कमेंट किए हैं, तो ये उनके रिप्लाई के लिए, अगर और भी वैसी कोई मेरी बहन है उनके रिप्लाई के लिए, क्या प्रेग्नेंट लड़कियाँ, इस समय अगर कोई प्रेग्नेंट है लड़की और उसकी ज्वाइनिंग आ जाए तो क्या होगा, ये सिर्फ गर्ल्स के लिए है कि अगर वो प्रेग्नेंट है या इस समय अगर उनकी ज्वाइनिंग है तो कोई बात नहीं, आपकी ज्वाइनिंग आ जाए, आप ज्वाइनिंग कर लेना ज्वाइनिंग सेंटर में जाके, चाहे आपका कोई सा ही मंथ चल रहा हो, आप एक बार ज्वाइनिंग कर लेना। आप ज्वाइनिंग कर लोगे वहाँ से आपको राहत दी जाएगी, और ट्रेनिंग के उस बैच के साथ आपकी ट्रेनिंग नहीं कराई जाएगी, क्योंकि आपको ग्रुप सेंटर में ही रोक लिया जाएगा। ग्रुप सेंटर में आपको फिर अगले बैच के लिए टाइम दे दिया जाएगा, आप वहीं ग्रुप सेंटर में रहो। आपको अगर डिलीवरी नज़दीक है तो आपको छुट्टी भी मिल जाएगी, वहाँ पर कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं, आपको छुट्टी मिल जाएगी उसके लिए, बच्चे के लिए आप आराम से छुट्टी मिलेगी। उसके बाद में आप जब अगला बैच ट्रेनिंग का जो आएगा उसके साथ में आपकी ट्रेनिंग करा दी जाएगी। तो ये पूरी डिटेल्स है दोस्तों। इसके अलावा आप कोई डिटेल्स अगर आप चाहते हो तो मेरे को कमेंट बॉक्स में बताना कि ये बच गई। कोबरा कमांडो को वो बता दी, सैलरी का भी मैंने बता दिया है,
अब आपको डाउट नहीं होना चाहिए। बटालियन में सैलरियाँ कैसी होती है वो मैं बता दूँ। हर एक बटालियन में एरिया वाइज सैलरी होती है, हार्ड एरिया में ज़्यादा होती है और नॉर्मल एरिया में कम होती है। अब आपको जो सामान कहाँ से मिलेगा और क्या क्या सामान मिलेगा, अब एक ये बता दूँ कि जब जॉइनिंग के समय आप जाओगे तो क्या क्या सामान आपको लेके जाना चाहिए। मैं अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप उतना ही लेके जाना। देखो, एक खाने के लिए कुछ छोटा मोटा टिफ़िन या लेके जाना, क्योंकि प्लेट आपको फिर बाद में मिल जाएगी। एक छोटा सा टिफ़िन विफिन कुछ घर से लेके जाना, पानी की बोतल लेके जाना, और कपड़े में दो तीन सिविल ड्रेस ले लेना, जैसे लोअर पजामा टी शर्ट, एक लोअर ले लेना, एक टी शर्ट ले लेना, एक दो जोड़ी ले लेना, ऐसा एक दो जोड़ी अच्छी ड्रेस ले लेना, एक जैसे एक या दो अच्छी ड्रेस भी ले लेना पहनने के लिए अगर कभी बाहर जाओ तो। उसके अलावा ओढ़ने बिछाने का कुछ छोटा मोटा कंबल दरी एक बार के लिए ले लेना, क्योंकि आपको जब मिलेगा तो उसमें थोड़ा सा टाइम लग जाएगा, फिर आपके उस बाद में आपको वहाँ से कंबल भी मिल जाएगा, हर एक चीज़ वहाँ पर आपको प्रोवाइड कर दी जाएगी, लेकिन फिर भी एक दो दिन के लिए आप ले लेना। एक साथ में और बता दूँ, अगर कई दोस्तों के ट्रेन का सही शेड्यूल नहीं हो कि वो ट्रेन वहाँ पर जाए, या तो एक दिन पहले जाए या एक दिन बाद में, तो अगर एक दिन पहले आप ग्रुप सेंटर में की जगह पहुँच जाते हो तो आपको बाहर सोने की ज़रूरत नहीं है, आप ग्रुप सेंटर में पहले एक दिन पहले जाके भी ज्वाइनिंग कर लेना दोस्तों, उसमें कोई आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। आप वहाँ अपना ज्वाइनिंग लेटर दिखाओगे, आपको एंट्री दे दी जाएगी और वहाँ पर आपको रहने की व्यवस्था दे दी जाएगी। इसके अलावा और कोई, अब देख लो आप, इसके अलावा आपको जो नेसेसरी जो सामान है वो तो आपको साथ में लेना ही है। हरियाणा राजस्थान वाले घी ले लेना साथ में, क्योंकि ट्रेनिंग में घी बहुत करना पड़ेगा। हरियाणा राजस्थान और जिनको घी पसंद है घी ले लेना, लड्डू वाले लड्डू ले लेना घर से, और खाना मज़े से ट्रेनिंग निकालना। और भी अगर इससे संबंधित आप कोई जानकारी चाहते हो मेरे से तो आप कमेंट में अच्छे से कमेंट करिए, बताइए अच्छे से मेरे को, कमेंट का रिप्लाई करूँगा मैं। रिप्लाई नहीं करूँगा तो वीडियो बना के ज़रूर रिप्लाई करूँगा। गर्ल्स के लिए गर्ल्स की ट्रेनिंग कैसी होती है इसका भी एक वीडियो जल्दी मैं बना रहा हूँ। जय हिंद, बेस्ट ऑफ लक दोस्तों।